हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं देखिए आपके साथ इस ब्यूटीफुल कार्डिगन डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये कार्डिगन शॉर्ट कार्डिगन है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और इस पर बहुत अच्छा बेल वर्क हुआ हुआ है। देखिए जो ये बेल सी बनाई हुई है ना, आज मैं इसी पैटर्न की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पैटर्न हमारा 25 फंदों पर बनता है और इस कार्डिगन में बैक साइड प्लेन बनाई हुई है, बाजू में और आगे वाले दोनों पल्लों में ये डिज़ाइन हमने सेट किया हुआ है। बहुत इजी पैटर्न है, छोटे बच्चों का बनाइए, अपना बनाइए, गर्ल्स के लिए बनाइए, लेडीज़ के लिए बनाइए, किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। और बनाने में ये बहुत 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 आसान है। आपने जैसे आपको अगर वर्क करना आता है तो आप ऐसे पत्ती की शेप में कढ़ाई भी कर सकते हो, जहाँ इसमें मोती भी लगा सकते हो, ये ऑप्शन है, दोनों में से एक कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। देखिए ये सैंपल भी बना कर रखा हुआ है मैंने आपको दिखाने के लिए। ये इस तरह से हमारी बेल बनती है और ऐसे ये चलती है, इस तरह से। यहाँ से इसे मैंने स्टार्ट किया है, देखिए ऐसे, और आगे आगे इसे ऐसे हम चढ़ाते जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, यूनिक सा ये पैटर्न बनता है। देखिए बिल्कुल आसान है इसे बनाना और सोबर सा, सिंपल सा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप चाहो तो वर्क भी कर सकते हो, पत्तियाँ सी बना सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। नहीं तो अगर आपको पत्ती वर्क नहीं आता है तो आप यहाँ पर एक एक मोती भी लगा सकते हो ऐसे, चाहे कलरफुल लगा लें, वाइट लगा लें, अपने पैटर्न और कलर के हिसाब से आपने इसे लगा लेना है। ये छोटों से लेके बड़ों तक जितने भी आप जैसे भी किसी भी प्रोजेक्ट में बनाना चाहते हो ना, इसे बना सकते हो। बनाना बिल्कुल आसान है, 25 फंदों पर ये हमारा डिज़ाइन डलता है। जो फंदे आपके एक्स्ट्रा हैं उन्हें आपने दोनों तरफ एडजस्ट कर लेना है और सेंटर से इसे स्टार्ट कर देना है। पिछली साइड बिल्कुल प्लेन पल्ला है जैसे मैंने आपको बताया है, बाजू और दोनों साइड आगे वाले पल्लों में इस बेल को हमने डाला हुआ है। तो इसे आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए बताती हूँ मैं आगे कि आपने इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं 29, दो दो फंदे हमने दोनों तरफ, मैंने ये दो दो फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। 25 फंदों पर ये पैटर्न डलेगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो स्टार्टिंग के ये दो फंदे तो हमारे पहले एक्स्ट्रा ही हैं, इसे मैं सीधा बना दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, हमने ये फंदे से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ये 13 फंदे हमारे, देखिए डिज़ाइन के हैं ये 13 फंदे हमारे सीधे, ठीक है। जैसे मैंने दो फंदे ये सीधे बनाए ना, आपके जितने भी फंदे एक्स्ट्रा हैं आपने दोनों तरफ देखिए उन्हें बना लेना है और सेंटर में ये बेल हमारी शुरू होगी। ये 13 फंदे पहले सीधे बनाए, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे ऐसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर एक और ये दो, इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है और इस फंदे को सीधा बना देना है। यहाँ पर हमने एक दो का एक किया था, एक फंदा कम किया था, जाली डाली बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, ये एक ये दो, इन दोनों फंदों में देखिए पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक और यहाँ पर हमने जाली डाल ली। अब ये लास्ट में देखिए एक, दो, तीन, ये तीन फंदे तो हमारे पैटर्न के हैं, ठीक है। और ये दो फंदे जो दोनों तरफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उन्हें भी मैं सीधा ही बना दूंगी ऐसे। अब उल्टी तरफ से देखिए हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से जैसे मैं ये वाली रो डाल रही हूँ ना, आपने सारी रो उल्टी तरफ से ऐसे ही डालनी है। पहले तो ये सिंपल फंदे जो बनाए हैं हमने इन्हें उल्टा बना देंगे। अब ये जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा ही बना लेंगे। जाली वाले फंदे को उल्टा बनाने के बाद
अब यहाँ पर देखिए ये दो फंदे हमने उल्टे बनाए थे ना, उल्टी तरफ से इन दो फंदों को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये फंदा एक ये जाली वाला फंदा, इन दोनों को दो का एक कर देंगे। दो का एक करने के बाद सिलाई पर ऐसे धागे को घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 13 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के हैं, दो फंदे उल्टे हैं, जो ये सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। और सीधी तरफ से भी मैं इन्हें इतना बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सीधे फंदों को मैंने बना लिया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टे फंदे हैं दो हमारे, इन्हें हमने उल्टा बनाना है इस तरह से। धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, ये एक ये दो, इन दोनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इस एक फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे, दो फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, और यहाँ पर हमने अपनी जाली डाल दी और ये फंदे हमारे सीधे। अब उल्टी तरफ से एक बार और देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे हमने ये फर्स्ट रो डाली है ना, वैसे ही इसकी सारी रो उल्टी तरफ से सेम डलेंगी। ठीक है, तो इन फंदों को तो पहले हमने उल्टा ही बना लेना है। देखिए ये भी हमारा उल्टा और ये जाली वाले फंदा भी उल्टा, उसके बाद ये एक फंदा उल्टा आएगा। अब धागा दूसरी तरफ, दो फंदे ये सीधे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे बनाने के बाद ये एक उल्टा और एक जाली वाला, ये दो का एक कर देंगे। फिर धागा सिलाई पर ऐसे घुमाएंगे उल्टे की तरफ से, एक फंदा ये उल्टा बना देंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए दो फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी के सारे फंदे उल्टे बना दूंगी। तो ये फंदे बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये सीधे फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टे फंदे दो बनाए, फिर धागा दूसरी तरफ किया, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, एक ये जाली वाला फंदा, इन दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर हमने जाली डालनी है और इस फंदे को सीधा बना देना है। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब ये एक ये दो, दो फंदे सीधे हो गए हमारे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार के सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर देना है इस तरह से। ये एक दो, तीनों फंदे हमारे सीधे। ठीक है, अब उल्टी तरफ से जैसे मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही रो बना लीजिए। अब सीधी तरफ से देखिए, ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से, दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करना है हमने, दो फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा दूसरी तरफ करना है हमने, ये एक दो तीन फंदे सीधे बना देने हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा कर लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से, दो का एक कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी देखिए एक दो तीन चार जालियाँ होगी। अब ये दो फंदे सीधे और उल्टी तरफ से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही फंदों को बनाते जाना है। यहाँ तक तो देखिए उल्टे बनेंगे, ये दो सीधे, दो का एक करेंगे, सिलाई पर धागा घुमाते हुए ये फंदा उल्टा बना देंगे, दो फंदे सीधे, बाकी तो हजे सिंपल ही डल रहे हैं। अब देखिए सीधी तरफ से हमने क्या करना है, ये दो फंदे उल्टे हैं, यहाँ दो फंदे सीधे रखने तक ये सारे फंदों को पहले तो सीधा ही बना लेंगे सीधी तरफ से। अब डिजाइन में थोड़ा सा हमारा चेंज आएगा, ये वाले पहले फंदे हम सीधे बना लेते हैं। अब देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये दो फंदे उल्टे हैं, दो फंदे उल्टे हैं ना ये, अब ये दो फंदे सीधे,
अब आगे से सिलाई डालेंगे इन दो फंदों में, पहले इन्हें दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे और पीछे से कर देंगे दो का एक, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर हमने जाली डालनी है, ये फंदा हमारा सीधा बन गया, धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर हमने देखिए क्या करना है, धागा अपनी तरफ ही रखना है, इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, यहाँ पर जाली डाल दी। अब यहाँ पर हमने जाली तो डालनी है, लेकिन यहाँ पर हमने फंदे कम नहीं करने हैं, फंदे कहाँ पर कम होंगे, यहाँ पर दो का एक करते हुए, यहाँ से फंदे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर फंदे कम होते जाएंगे, तभी देखिए हमारा ये ऐसे घूमेगा। देखिए यहाँ से हमने फंदे कम करना स्टार्ट किया, तो देखिए यहाँ पर ये इसकी ऐसे फिर ये ऐसे शेप बनेगी, गुलाई बनेगी इसकी, ये वाली जाली। देखिए यहाँ पर चार जालियाँ पूरी होने के बाद हमने यहाँ से जाली डालना दोबारा से स्टार्ट किया, फिर एक बार फिर से चार जालियाँ ये कंप्लीट होगी, फिर से ये यहाँ पर जाली आएगी, और यहाँ पर फंदे हमारे सेम ऐसे ही कम होते जाएंगे, ठीक है। और बीच वाला पोर्शन देखिए ऐसे हमारा बनता जाएगा। तो यहाँ पर जाली डाल दी, ये बाकी के फंदे हमारे सीधे और उल्टी तरफ से सेम वैसे ही रो बना लेंगे। सीधी तरफ से देखिए इन फंदों को सीधा बनाने के बाद, अब यहाँ पर दो फंदे उल्टे से पहले ये दो फंदे सीधे हैं, यहाँ पर हमने आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देना है, इस तरह से दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे हमारे उल्टे डल गए, फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा करेंगे, ये सीधा और एक ये जाली वाला, दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ, ये दोनों फंदे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये जाली वाले फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना देंगे, अब ये सारे फंदे हमारे सीधे आएंगे, और उल्टी तरफ से जैसे हम डिजाइन को डालते आ रहे हैं सेम वैसे ही डाल लेंगे। फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ से हमने देखिए यहाँ पर दो का एक करना है, दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारा ऐसे सीधा किया है, सीधा और ये जाली वाला फंदा, इन दोनों को पीछे से कर देंगे दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा हम सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक, ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे और ये सारे फंदे हम सीधे बना देंगे, और उल्टी तरफ से हमने वो ही डिजाइन अपना डालते जाना है। अब सीधी तरफ से फिर से देखिए यहाँ पर दो का एक करेंगे, दो उल्टे फंदों से पहले हमने ये हर बार दो का एक कर देना है, यहाँ पर दो का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, सीधा फंदा जाली वाला फंदा दोनों को करेंगे दो का एक, ठीक है। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक दो तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर फिर से हमने ये जाली डालनी है और इन फंदों को सीधा बना लेना है, और उल्टी तरफ से सेम जैसा हम फर्स्ट रो से डालते आ रहे हैं उसी डिजाइन को फॉलो करेंगे ऐसे। देखिए दो सीधे फंदों के बाद यहाँ पर हमने दो का एक करना होता है, ये उल्टा फंदा और ये जाली वाले फंदे को, फिर यहाँ पर धागा घुमाते हुए जाली डालेंगे और ये फंदा उल्टा बनाएंगे, फर्स्ट रो से जो हमने पैटर्न स्टार्ट किया था वही डालना है, इधर के फंदे भी उल्टे ये भी उल्टे और ये दो दो फंदे सीधे सीधे आएंगे। अब सीधी तरफ से देखिए, अब यहाँ पर फिर से आगे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर देना है पहले,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, ये एक ये दो, इन दोनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए हमने यहाँ पर जाली डालनी है और इस फंदे को सीधा बना देना है। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे आएंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए हमने यहाँ पर देखिए ये एक दो तीन चार, ये हमारी चार जालियाँ पूरी हो गई ना। अब धागा अपनी तरफ ही रखना है हमने, फिर से यहाँ पर जाली डालनी है और इस फंदे को सीधा बना देना है ऐसे। अब हमने यही पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसे यहाँ पर चार जालियाँ बनाई हैं, यहाँ पर भी हमने चार जालियाँ बना लेनी है और दो का एक हमने इधर करना है, जाली यहाँ पर डालनी है, ठीक है। जैसे ये एक डाली है बस ऐसे ही इसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर चार डाली हैं, ये भी हमने चार डाली थी, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन बन जाएगा फिर हमारा, देखिए ऐसे। तो ये चार जालियाँ कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ फिर मैं आपको कि यहाँ पर हमने जाली कैसे स्टार्ट करनी है। अब देखिए ये हमारी चार जालियाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं, ये इतना पोर्शन हमारा बनकर रेडी हो गया है। जैसे हमने यहाँ पर एक दो तीन बार जाली बनाई है ना, वैसे ही यहाँ पर भी अब हमारी जाली डलना स्टार्ट होगी। ये वाली बेल देखिए हमारी इधर को यहाँ पर ऐसे मुड़ रही है ना, फिर इसके बाद देखिए ये ऐसे इधर को टर्न होगी, ये वाली चीज ऐसे घूमेगी। अब यहाँ पर हमारे फंदे कम हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं तो ये इधर आ रही है, फिर हमारे यहाँ पर फंदे कम होंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये ऐसे टर्न होगी। तो करेंगे कैसे ये देखिए आप, ये एक्स्ट्रा दो फंदे भी सीधे आएंगे पहले। अब यहाँ से हमने पैटर्न स्टार्ट करना है तो ये देखिए, अब यहाँ पर जैसे हम दो का एक करते आ रहे हैं वैसे दो का एक कर लेंगे। दो का एक करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई पर ऐसे घुमा लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, एक फंदा उल्टा बनाया, उसके बाद ये दूसरा भी उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये बीच वाला डिज़ाइन तो सेम वैसे ही डलेगा, सीधा फंदा करते हुए हमने दो का एक कर देना है पीछे से ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ करते हुए सारे फंदे हमारे सीधे आएंगे, ये सारे फंदे हमारे सीधे, और उल्टी तरफ से जो जैसे डिज़ाइन चल रहा है उसे सेम वैसे ही बना लेंगे। अब सीधी तरफ से फिर से देखिए, ये पहले फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये भी सीधा और ये भी सीधा, अब ये एक ये दो, इन दो फंदों को दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इसे एक फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, ये एक ये दो, इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ ये एक फंदा सीधा, यहाँ पर फिर से हमने जाली डाल ली। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे हमारे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ, ये हमारे ना इन दो फंदों को एक्स्ट्रा को जोड़कर छोड़ के देखिए ये 13 फंदे हो गए। जैसे यहाँ तक हम 13 फंदे ये सीधे बना रहे थे ना, फिर यहाँ से दो का एक हमने स्टार्ट किया, वैसे ही ये 13 फंदे हमारे अब सीधे बन रहे हैं, ये 25 फंदों में ही डिज़ाइन हमारा घूमता रहेगा। अब ये 13 फंदे हमारे सीधे बनाने के बाद एक्स्ट्रा दो फंदे हैं तो टोटल ये 15 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, और उल्टी तरफ से जैसे हमारा पैटर्न चलता है ना उसे वैसे रो ये कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से फिर से देखिए, ये एक दो और ये तीनों फंदे हमारे सीधे, अब आगे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में और दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इसे ऐसे सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए। अब ये सारे फंदे हमारे सीधे और उल्टी तरफ से अपने पैटर्न के हिसाब से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से सीधी तरफ से देखिए, ये एक और ये दोनों एक्स्ट्रा फंदे पहले सीधे बनाऊंगी, फिर आगे से सिलाई डालते हुए इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये जाली से तीन फड़े बड़े हुए फंदे हमारे सीधे बना देंगे। अब ये हमने देखिए चौथी जाली डाली है यहाँ पर, ऐसे ये चौथी जाली डाली हमने। अब धागा अपनी तरफ किया, ये दो फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा किया, दोनों में सिलाई डाली, पीछे से दो का एक कर दिया, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये सारे फंदे हमारे सीधे और उल्टी तरफ से अपने पैटर्न के हिसाब से रो कंप्लीट करेंगे। अब सीधी तरफ से देखिए, ये जाली वाला डिज़ाइन हमने फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे हमने तीन बार यहाँ पर एक दो तीन, तीन बार यहाँ पर जाली वाला डिज़ाइन बनाया था, तीन बार इधर बनेगा, फिर अब तीन बार यहाँ से पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ पर डलेगा। तो ये शुरू कैसे करना है देख लीजिए आप। देखिए इसे उतारा, ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब हमारे इस साइड के फंदे बनने स्टार्ट होंगे। देखिए ये सारे फंदे हमने सीधे बना लिए। ये सीधे फंदों को सीधा बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे। यहाँ पर हमने जाली स्टार्ट कर दी, ये दो फंदे हमारे उल्टे हो गए, ये पहली जाली हमारी देखिए यहाँ पर डल गई है, ठीक है। अब धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा किया, सीधा, और ये जाली वाले फंदे को पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालनी है, ये फंदा सीधा। ये पूरी डिज़ाइन में हमारा जहाँ तक अपने बेल डालनी है ना, ये जहाँ तक आप बेल बनाते जाओगे, ये सारा डिज़ाइन सेंटर का हमारा ऐसे ही डलता जाएगा। और उल्टी तरफ से भी ये वाला डिज़ाइन हमारा यहीं पर डल रहा है, बाकी इधर के फंदे उल्टे आ रहे हैं, वो भी रेगुलर ऐसे ही डलता जाएगा, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हमने ये दो फंदे उल्टे बनाए, बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ किया। यहाँ पर देखिए जाली तो डाली, दो का एक नहीं किया, फंदा हमने कम नहीं किया है, क्योंकि इधर से फंदे बढ़ाने हैं। अब इधर से फंदे कम करने हैं तो यहाँ पर एक फंदा उतारा, ऐसे सीधा किया, ये एक ये दो, इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक। अब जैसे देखिए यहाँ नीचे भी हमने ऐसे ही किया था, ये एक बार यहाँ पर हमने फंदे कम किए थे, ये चार हमने जालियाँ बना ली थी, फिर दूसरी बार हमने यहाँ पर जाली तो बनाई थी लेकिन फंदे हमने इधर से कम करना स्टार्ट किया था। सेम वैसे ही अब हमने करना है, यहाँ पर हमने तीन जालियाँ बना लेनी है। देखिए जैसे ऐसे चार जालियाँ बनाई, फिर यहाँ पर चार, फिर यहाँ पर चार, लेकिन दो का एक हमने इस तरफ से करते जाना है। देखिए ऐसे जैसे हमने यहाँ पर किया है, देखिए दो का एक मैं यहाँ पर करती आ गई हूँ और ये जाली वाला पोर्शन हमने यहाँ पर बनाया है ऐसे, ठीक है। जब ये तीन जालियाँ हमारी जब कंप्लीट हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर दो का एक करते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया दो का एक करते जाएंगे और यहाँ पर हमारी जाली स्टार्ट हो जाएगी। जाली हमने एक दो तीन बार ही डालनी है, जैसे यहाँ पर भी देखिए एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर इधर से एक दो तीन होगा, ठीक है। पैटर्न सेम ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं ये आपको आगे बनाकर एक दो रो और दिखा देती हूँ। देखिए ये दो का एक करने के बाद बाकी के फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं और उल्टी तरफ से सेम पैटर्न की रो कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से आ गए हम सीधी तरफ, तो सीधी तरफ एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने करना कैसे है। वैसे तो आपको पूरा डिज़ाइन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये डिज़ाइन बनाना। तो देखिए पहले हमने इन फंदों को ऐसे सीधा बनाया। अब ये जाली वाले फंदे से पहले अब धागा अपनी तरफ करते हुए हमने इस फंदे को सीधा बनाया, ये जहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब ऐसे ही फिर यहाँ पर हमने इन फंदों को सीधा बनाना है, जाली डालेंगे, ये दो फंदे जाली वाले फिर सीधे बना लेंगे, फिर जाली डालेंगे, ये तीन जाली वाले फंदे सीधे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये चार बार जाली डल जाएगी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम
उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डाल लेंगे पीछे से दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए हमने यहाँ पर जाली डालनी है, ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और दोनों को दो का एक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा दो का एक चलता जाएगा। देखिए इसी तरह से आपने पैटर्न को बढ़ाते जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा। बहुत इजी पैटर्न है, खाम का वीडियो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि बहुत आसान पैटर्न है और मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है ये, ठीक है? तो बनाइए, फिर मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।